अड़ हुया पूरा अब सावत्री उल्टी हट जा। उल्टी उल्टी हट जा। नहीं महाराज। क्यों क्यों? क्योंकि बिना पति के धर्म राज मेरी क्यों करे जिंदगी कट जा। बिना पति के धर्म राज मेरी क्यों करे जिंदगी कट जा। तेरा फर्ज हुया पूरा, तेरा फर्ज हुया पूरा, सावत्री उल्टी हट जा। बिना पति के धर्म राज मेरी क्यों करे जिंदगी कट जा। तो मैं तुझे बहुत कुछ दे दूंगा। महाराज आप पहले मेरे पति के प्राण दे दो महाराज, मुझे अब से कुछ नहीं चाहिए। अरे ये पति का दरोड़ा है, पति को ना मिले, लगता है दूसरी युक्ति सोचनी पड़ेगी। खड़ी हो, खड़ी हो जी। जिंदा कर दूं? हाँ महाराज। खड़ी हो। लो वो गुलाब का फूल खिला है, उस फूल को तोड़ के लाके मुझे दे दे, जब तक तू आएगी तब तक जिंदा कर दूंगा। नहीं महाराज नहीं, आप मेरे साथ में छल कर रहे हैं महाराज। कैसा? ताकि मैं वो गुलाब का फूल तोड़ने जाऊं और इधर आप मेरे पति के प्राण निकाल ले। अरे बड़ी चालू है तू तो, पहचानगी बेटी ये जिंदा नहीं हो सकता। समझ महाराज, आपको जिंदा करना पड़ेगा। इस सत्यवान के सिवा मांग ले, सत्यवान के सिवा मांग ले, हर किज को नाटाल करूं। दिखे पहली वचनी, पहले वचनी भरो भगवान में, आटे फेर सवाल करूं। पहले वचनी भरो भगवान में, आगे फेर सवाल करूं। ये सत की सती सावत्री, मैं भी तो तेरा ख्याल करूं। चावान वसता जति पति बिने, मौत बता की सुधार करूं। जवान वसता जति पति बिने, मौत बता की सुधार करूं। ए भले बुरे कर्मों का लेखा, भले बुरे कर्मों का लेखा, ईश्वर के घर छट जा। है झूठा मोह का जाल जगत में, एक दिन तेरा पट जा। के दे दूंगा इसको छोड़ के, अगर कुछ मांगेगी तो। महाराज पहले आप मुझे वचन दीजिए, फिर बाद में मैं मांगूंगी। लेकिन ऐसा ना हो कि मैं वचन दे दूं तू इसको मांग ले। पहले तू दे वचन, अगर तूने तीन वचनों में इस पति का जिक्र भी करया, ये पति मांग लिया, तो तू वचन हार हो जाएगी। महाराज रहम कीजिए, वचन दे इसको, नहीं मांगना, वचन दे फिर दूंगा तुझे वचन में। अच्छा ले? तो ठीक है महाराज, अगर आप यही चाहते हैं कि मैं अपने पति के प्राण ना मांगू, तो ठीक है महाराज लीजिए वचन, मैं अपने पति के प्राण नहीं मांगूंगी। आजा, अब तीन वचन मैं देता हूं। पहला वचन ब्रह्मा, दूसरा वचन विष्णु, तीसरा वचन महेश, और ये वचन बदल दिए वरदानों में, मांग ले जिससे कट जा तेरे कलेश। पति का जिक्र करा, पति को मांग लिया, तो तू वचन हार हो जाएगी, फिर तेरे सत की अग्नि मुझे भस्म नहीं करेगी। ठीक है महाराज, मांग ले, तैयार हो जा, सोच ले। सुनिए मेरी बात, मांग लिए वरदान सती, कर ले बेटी यकीन मेरा। दिखे राज मिले, हेरे राज मिले, और नैने खोल दो वो ससुराने तारी ने मेरा। राज मिले और नैने खोल दो वो ससुराने तारी ने मेरा। ये
जी महाराज। तेरे सास ससुर की आंखें खोल दूं? हाँ। उनका राज चुंडराय ने खोसले वो दे दूं? जी। तथास्तु। ठीक है महाराज। ऐसा ही होगा सावित्री जा, ऐसा ही होगा सावित्री, देख लिए तू सीन मेरा। बिना पति के श्री मान मन होगा कति मलिन मेरा, बिना पति के श्री मान मन होगा कति मलिन मेरा। अरे जी तुसी की होती है जो सबके ऊपर डट जा, दिखे उस मानसी कके कर ले जो कहीं बात में नट जा, वरदान दिया कि नहीं दिया? जी महाराज। तेरे सास ससुर की आंखें उनका राज। हाँ। तथास्तु। ठीक है महाराज। दो वरदान बचे, मांग ले सोच ले इसको छोड़ के। अच्छा चिंता दूर करो, दिखे दो पुत्र हो दो बेटे हो मेरे पिता के, धर्मराज मंजूर करो, दो बेटे हो मेरे पिता के, धर्मराज मंजूर करो। ये तेरा दूसरा वरदान। जी महाराज। तो बेटी जा तथास्तु। ठीक है महाराज। जा दो भाई तेरे हो जाएंगे, दो भाई भी तेरा हो जाएंगे, खुशी आज भरपूर करो। देखे एक पुत्र हो क्या एक बेटा हो मेरी को किसे, तेजस्वी और शूर करो, एक बेटा हो मेरी को किसे, तेजस्वी और शूर करो। तेरा धन्यवाद कि तूने इसको नहीं मांगा। जी महाराज। राधू कदम पाचनों का चीटिंग कर गया महाराज। हाँ महाराज। पहले वरदान में तेरे सासुर की आग उनका राज। जी। तथास्तु। ठीक है महाराज। दूसरे वरदान में तेरे पिता के दो पुत्र यानी तेरे दो भाई। तथास्तु। ठीक है महाराज। और तीसरे वरदान में तेरे एक सूरवीर प्रतापी पुत्र बेटी। तथास्तु। ठीक है महाराज। है देता हूँ वरदान सती। काया का तेरा दुख हट जा। रुकिए महाराज। अरे अब क्या रोकती है? दिखे कैसे होगा क्या, कैसे होकर पुत्र मेरा जब छल नहीं करेगी। क्या छल किया मैंने? मैंने पहले ही कहा था क्या इस पिता को मत मांग के। पति कभी पुत्र कहती है, कभी पिता कहती है, कभी पति कहती है। अनुप्रास अलंकार में तूने बुद्धि भंग कर दी। अच्छा सावित्री। जी। ये नहीं दे सकता मैं। महाराज मैंने पति को कहां मांगा है, मैंने तो पुत्र मांगा है महाराज। तो पुत्र दे तो दिया। अच्छा लेकिन एक बात बताइए महाराज, जब आज आप मेरे पति के प्राण लेके चले जाएंगे महाराज, तो आप ही बताइए कि मुझे पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी। अरे ये तुमने सोचा ही नहीं। अच्छा क्यों नहीं सोचा? सावित्री हम थोड़ा गर्मी ज्यादा है तारे देश में। अच्छा हाँ हमने तथास्तु 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 के चक्कर में तथास्तु कर दी। तथास्तु होगी, हम इसको नहीं दे सकते। नहीं महाराज, आपने मुझे वरदान दिए हैं, तीन वरदान,
सारे करने ही पड़ेंगे। यो कितने कर दूं? महाराज नहीं कर सकते तो आप वचन हार हो जाइए और चले जाइए यहाँ से। यू कैन गो। यमराज धमकावे है, लड़की मेरे नाम से प्रकृति के चराचर जीव कांपते हैं। कांपते होंगे। क्या तुझे तनिक भय नहीं हमसे? नहीं है। इधर देख। रुको देवी रुको रुको रुको, शांत शांत, मेरे नजदीक मत आओ कहीं मैं जल ना जाऊं। सॉफ्ट काया सामत्री, हम इसको जिंदा नहीं कर सकते। नहीं महाराज, आपको जिंदा करना ही पड़ेगा, और आपका नाम तो यमराज है। यमराज तो नदमुशी बना दिए यमराज। अरे आप चाहेंगे तो आप क्या नहीं कर सकते? नहीं, मैं जिंदा नहीं कर सकता। अरे सब कुछ आपके ही तो हाथ में है। मेरे आत्मा डंगन भी को ना। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश, इतने बड़े बड़े देवी देवता मेरे ऊपर भी तो है, कड़ा जिंदा कर दू इसने। नहीं महाराज, आपने मुझे वरदान दिए हैं, अपने वरदान पूरे कीजिए, वरना देखो यहां से रास्ता जाता है, इधर से रास्ता। सावित्री के ए सावित्री सुनो तो सही, रुक जाएगा। सावित्री तन वचन भरा के, सावित्री तन वचन भरा के, चक्कर बीच फसाया दिखे नो निधि हिरनो निधि और बारा सिद्धि आदि लाभ की माया। की काया देखी सब कुछ कर सकती है भक्ति भगवान वचन में पाया। सब कुछ कर सकती है भक्ति भगवान वचन में पाया। एक तरीका है। कैसा तरीका महाराज? तेरी परीक्षा है। कैसी परीक्षा? हमने देख लिया तेरी उम्र। हाँ, आज से 100 बरस बकाया है। अच्छा, अगर तू जी अपनी आधी जिंदगी यानी के 50 साल मुझे संकल्प दे के दान कर दे तो तेरी आधी जिंदगी मैं तेरे पति को दे दूंगा। साथ जीना साथ मरना, आधी जिंदगी का दान कर। लेकिन बेटी गणा ही हो, 100 साल मौज मारेगी इस बर्गे, वरना 20 मिल जा। सोच ले क्यों खराब कर रहे हैं, हम तो तेरे भले की क्या बेटा, देख ले सोच ले। 50 साल जिंदगी देनी पड़ेगी तो जिंदा हो सकता है, अन्यथा कोई दूसरा तरीका नहीं है। महाराज आप मेरी आधी जिंदगी क्या, अगर आप मेरे पूरे 100 साल भी मांगेंगे जब भी मैं अपने पति को दे दूंगी। हाय हाय, ताली बजानी पड़ेगी भाई, ले तो ले दे। लीजिए महाराज। या तेरी आधी जिंदगी तेरे पति को दी, ले बेटा खड़ा हो जा। अरे मान, आपने वरदान दिया ना पुत्र तो कर दूं। यो 4G का जमाना। मान सिंह ने मन समझाया, मान सिंह ने मन समझाया, ध्यान हरि हर का रट जा। अरे कह रघुनाथ धर्म तीर्थ